स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास नाइन्थ बायोलॉजी से करने वाले हैं चैप्टर एट, जो कि यूनिट फोर का पार्ट है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चैप्टर का नाम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोग्रेस चेक के साथ। तो हमारा जो पहला प्रोग्रेस चेक है वो आपका दिया हुआ है पेज नंबर 71 पे। प्रोग्रेस चेक में कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल ग्रुपिंग इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट डाउनवर्ड टू द लोवेस्ट। तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले किंगडम हो जाएगा, फिर फाइलम, और उसके बाद आएगा क्लास, फिर क्लास के बाद आएगा जीनस, और जीनस के बाद आएगा स्पेसीज। तो नंबरिंग मैंने कर दी है, आप एक के बाद एक लिख लेना। फिर कह रहा है सेकेंड में कि टिक मार्क द फीचर दैट कैरेक्टराइज वर्टिब्रेट्स। तो दो फीचर ऐसे हैं जो कैरेक्टराइज करेंगे वर्टिब्रेट्स को, कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड और दूसरा अ टेल बिहाइंड द लेवल ऑफ द एनस। सेकेंड प्रोग्रेस चेक है पेज नंबर 76 पे, कि मेंशन द नेम ऑफ फाइलम अगेंस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला है कि नो सिंगल माउथ बट न्यूमरस पोर्स एज वाटर इनलेट। ढेर सारे पोर्स होंगे वाटर इनलेट्स के लिए, तो ये कौन सी कैटेगरी है, पोरीफेरा। इसके बाद है सेकंड वाला कि ज्वाइंट अपेंडिजेस, तो ये ऑर्थ्रोपोडा में है। नेक्स्ट है थर्ड वाला कि अनसेगमेंटेड बॉडी विथ अ प्रोटेक्टिव कैल्केरियस शेल, तो ये मोलस्का हो गया। और इसके अलावा फिर फोर्थ वाला है कि लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट, तो ये एकिनोडर्मेटा हुआ। फिर फिफ्थ वाला है कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल और अनसेगमेंटेड बॉडी, तो ये नेमाटोडा हुआ। और सिक्स वाला है कि स्मॉल फ्लैट अनसेगमेंटेड वॉर्म, तो ये प्लेटीहेलमेंथिस हुआ। अब इसके बाद कह रहा है कि नेम द फाइलम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के लिए उनका फाइलम लिखना है, तो एनिमल लिखा हुआ है, फाइलम आपको लिखना है। तो अब देखो सबसे पहला है लीच, तो लीच का क्या होगा फाइलम, एनिलिडा। हाइड्रा का होगा कोएलेंट्रेटा। टेपवर्म का होगा प्लेटीहेलमेंथस। और सी ककंबर का होगा एकिनोडर्मेट। स्पॉन्जी का होगा पोरीफेरा। राउंड वर्म का होगा नेमाटोडा। स्कॉर्पियन दैट इज अरेक्नाइड। और स्लग का होगा मोलस्का। और सेंटीपेड का होगा मैरियापेड, जो कि आर्थ्रोपोडा में आता है। और बटरफ्लाई का इंसेक्टा, जो कि आर्थ्रोपोडा में ही फॉल करता है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है आपका पेज नंबर 80 पे। लिस्टेड बिलो आर 11 कैरेक्टरिस्टिक 1 to 11 इन कॉलम 1 एंड 5 क्लासेस A to E ऑफ कॉर्डेटा इन कॉलम 2। मैच एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक विथ ईच क्लास। तो पीसेस के लिए देखो क्या है, तो पीसेस के लिए दो चीजें हैं, एक तो हो जाएगा 2 चैम्बर हॉल्ट और दूसरा हो जाएगा गिल्स। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में देखो दो चीजें आएंगी, कौन कौन सा आएगा, एक तो आएगा 3 चैम्बर्ड हॉल्ट, उसके अलावा आएगा मॉइस्ट स्किन। फिर रेप्टिलिया में, तो रेप्टिलिया में देखो, रेप्टिलिया में होगा एयर ड्रम इन अ पिट, और दूसरा होगा हॉर्नी स्केल्स ऑन स्किन। फिर डी वाला है एप्स, तो एप्स में दो फीचर कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा तुम्हारा फेदर्स, और फिर दूसरा हो जाएगा होम्योथर्मल। फिर मैमेलिया है, तो मैमेलिया में दो कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो एक हो जाएगा तुम्हारा टेस्टिस इन स्क्रोटम, और लास्ट क्या बचा है, एक्सटर्नल ईयर्स। ओके, फिर नेक्स्ट वाला सेकंड वाले में देखो, मेंशन द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट अगेंस्ट ईच। क्रोकोडाइल, रेप्टिलिया, पेंगुइन का एप्स है, टोड, एम्फीबिया, और शार्क का क्लास क्या है, पीसेस, वेल का मैमिलिया, और बैट का भी मैमिलिया, और हाउस लिजर्ड का होगा रेप्टिलिया। तो अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए वाले में से, द एनिमल किंगडम एनिमेलिया आर मेनली ग्रुप्ड अंडर टू कैटेगरीज। वो कौन कौन से हैं,
तो देखो जो किंगडम एनिमल लिया है वो दो कैटेगरीज वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिवाइडेड है, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट कम अंडर द पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मशरूम, ईस्ट और फन का, कि ये जो फंजाई है तो फंजाई के ही ग्रुप के हैं सारे। फिर इसके बाद पैरामीशियम, यूग्लेना और स्पॉन्जी, ये प्रोटिस्टा के ग्रुप के हैं, बिल्कुल सही। स्टार फिश, कटल फिश और डॉग फिश, ये सब पीसेज में है, सही है। तो बैट, पैरट, ऑयस्टर, ये वर्टिब्रेट हैं। हाँ, तो ये वाला जो पेयर है ये डज नॉट कम अंडर द पर्टिकुलर ग्रुप, तो डी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोनोमियल साइंटिफिक नेम। तो इसमें से राना टिग्रीना जो है ये तुम्हारा बायोनोमियल साइंटिफिक नेम है, एग्जाम्पल है बायोनोमियल साइंटिफिक नेम का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिस्पेक्टिव एनिमल्स। डोंकी एंड हॉर्स शुड बी कंसिडर्ड वन सिंगल स्पेसीज बिकॉज दे कैन सक्सेसफुली मेट एंड प्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग। ये तो सही नहीं है। फिर डोंकी एंड हॉर्स आर टू डिफरेंट जेनेसिस, ये भी ठीक नहीं है। म्यूल इज अ सेपरेट स्पेसीज, ये भी नहीं। फिर म्यूल इज नाइदर अ डंकी नॉर अ हॉर्स, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है म्यूल के बारे में कि इट इज नाइदर अ डंकी नॉर अ हॉर्स। फिर बी वाले में आते हैं, हु हैड इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नीविंग लिविंग बींग्स। तो ये कौन थे? तो ये थे कैरोलस लिनेस, कैरोलस और लिनेस थे जिन्होंने कि इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग बींग्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच टू कैरेक्टरिस्टिक आउट ऑफ ए टू ई गिवन बिलो आर कॉमन टू डॉग, ह्यूमन, स्क्वायरल, बैट, कैमल एंड मंकी। तो इन सब में कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक ए से लेके ई तक में कॉमन है? तो पहली चीज कि इन सबके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और इसके अलावा ये गिव बर्थ करते हैं टू यंग वंस, ठीक है। फिर इसके बाद है मैच द आइटम, तो पाइन का किस में हो जाएगा? पाइन जो होगा जिम्नोस्पर्म में। फिर अर्थवर्म, तो अर्थवर्म तुम्हारा हो जाएगा एनिमिलिया ग्रुप का, एनिमेलिया। फिर ब्रेड मॉल्ड का, तो ब्रेड मॉल्ड जो है फंजाई की वजह से होता है। और फिर उसके बाद अमीबा का, तो अमीबा में होगा प्लांटे में भी आएगा और अमीबा ब्रायोफाइटा में भी, दोनों नहीं सॉरी अमीबा तो आएगा इसमें ना प्रोटिस्टा में, अमीबा आएगा प्रोटिस्टा में, मॉस आएगा तुम्हारा ब्रायोफाइटा और प्लांटे दोनों में। फिर बात करते हैं 6 वाला बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के लिए मोनेरा और प्रोकैरियोट, ये दोनों ही एग्जांपल इसके। तो हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया यूनिसेलुलर यानी प्रोकैरियोट है। तो फिर उसके बाद अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में कि रीअरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द क्लासिफिकेशन इन देयर प्रॉपर सिक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइएस्ट। तो हाइएस्ट से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले होगा स्पेसीज, फिर आएगा जेनस, फिर आएगा फैमिली, फिर ऑर्डर और फिर क्लास, फिर फाइलम। फिर कह रहा है गिव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैन, डोमेस्टिक कैट एंड पीपल ट्री। पेज नंबर 70 पे बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैन के लिए देखो होमो सैपियंस, कैट के लिए फेलिस डोमेस्टिकस और पीपल के लिए दिया हुआ है फाइकस रिलिजियोसा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वाई आर साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग बींग कंसिडर्ड बेटर देन देयर कॉमन नेम। कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं लिविंग बींग के वो बेटर हैं उनके कॉमन नेम से, क्यों? पेज नंबर 70 पे ही जहाँ पे साइंटिफिक नेम है उसमें देखो, यहाँ से इन साइंस, साइंस में पीपल जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अदर अदर लैंग्वेजेस के साथ उनको रीड करना होता है अबाउट ईच अदर्स रिसर्च और एक दूसरे का रिसर्च वर्क। तो ये नेसेसरी था कि एलिमिनेट किया जाए पॉसिबल कन्फ्यूजन जो कि लोकल नेम के द्वारा होगा, अलग अलग कंट्री से अलग अलग जगह से आएंगे तो अपना लोकल नाम होगा।
तो इसीलिए सब्सटीट्यूट किया गया देम विद द नेम्स स्पेशली गिवेन इन साइंटिफिक लैंग्वेज। तो उनका लोकल नेम हटा के एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया पर्टिकुलर, जिससे कि ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके, यानी कि जो कोई भी लोकल आपने यहाँ कुछ और कहता है तो वो क्या करेगा, आप साइंटिफिक लैंग्वेज से की वजह से अब सबके सब हर एक जो स्पेसीज हैं या जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर नेम से जानेंगे, साइंटिफिक नेम से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेंशन द टू ड्रॉबैक क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म अंडर द ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पेज नंबर 66 पे लास्ट में देखो कि लिनेस जो थे 1707 से 1778 तक जो इंटायर वर्ल्ड था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको डिवाइड कर दिया था दो किंगडम में, किंगडम प्लांटे जिसमें कि सारे प्लांट इंक्लूड होते हैं, और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, जिसमें सारे एनिमल इंक्लूड होंगे। अब इसका ड्रॉबैक देखो यहाँ पे लिया हुआ है, पहला है कि बैक्टीरिया को कैन नॉट बी कॉल्ड प्लांट, इसको प्लांट नहीं कहा गया बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे और सम ऑफ देम इवन पॉसेस फ्लैगेला टू हेल्प देम मूव, ठीक है, और कुछ के पास फ्लैगेला था मूवमेंट के लिए। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज यूग्लेना कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली कॉल्ड प्लांट और एनिमल, इसको ना प्लांट बोला गया ना एनिमल बोला गया, दे हैव क्लोरोप्लास्ट प्लांट की तरह और सेल माउथ होता है ताकि वो फीड कर सके लाइक एनिमल्स। तो इसीलिए जो अबव थ्री ग्रुप था ऑर्गेनिज्म का अब रिकॉग्नाइज किया जाता है अलग अलग किंगडम के किंगडम्स के नाम के साथ, जो कि मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई है, और दिस टुगेदर ये दो अदर किंगडम्स हैं, एक है प्लांट्स प्लांटे और एनिमल्स एनिमिलिया। तो ये अब जो है आपका नया हो गया। तो ये ड्रॉबैक था उनके जो है कि ड्रॉबैक था ओल्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑल ह्यूमंस ऑन अर्थ टुडे मे डिफर वाइडली इन देयर फेशियल फीचर कलर हाइट एटसेट्रा येट दे बिलोंग टू सिंगल स्पेसीज होमोसेपियंस गिव वन रीजन वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पेसीज। कि सारे जो ह्यूमन बींग है अर्थ के ऊपर वो डिफर हैं फेशियल फीचर कलर हाइट में, फिर भी उनको एक सिंगल स्पेसीज होमोसेपियन कहा जाता है, रीजन बताना है। तो होमोसेपियन आर नॉट कंसिडर्ड इन टू डिफरेंट स्पेसीज, क्यों नहीं, बिकॉज ये सक्सेसफुली ब्रीड कर सकते हैं एमंग देमसेल्फ, तो इसीलिए इनको एक स्पेसीज माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि री राइट द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम करेक्टली। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं तो इनको री राइट करना है करेक्टली। तो पेज नंबर 70 पे आप देखो, पेज नंबर 70 पे पीपल का दिया हुआ है फाइकस रिलीजियोसा, और बाकी आपको मेज के लिए और सिल्क मॉथ के लिए नहीं है। तो तुम्हारा जी मेज में क्या हो जाएगा, जेड कैपिटल हो जाएगा, और मेज जो है छोटा हो जाएगा मेज के लिए। फिर यहाँ पे है तुम्हारा, ये तुम्हारा बॉम्बाइक्स मोरी है, तो इसमें जो बॉम्बाइक्स मोरी में ना ये ऐसा ही रहेगा बॉम्बाइक्स, अब मोरी में जो एम होगा वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, किसके लिए, सिल्क मॉथ के लिए। तो इसको रीराइट कर लेना है, और इसमें तो आपको पता ही है कि सिर्फ एफ जो है कैपिटल हो जाना है, ठीक है, इसका तो हमने देखा ही। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नेम द 5 किंगडम अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिफिकेशन, नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 किंगडम्स बताने हैं। पेज नंबर 80 पे देखो, तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 80 पे पॉइंट टू रिमेंबर में द 5 मेजर किंगडम आर मोनेरा जो कि यूनिसेलुलर अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर होंगे ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, फिर फंजाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेफ्रोफाइटिक, और फिर प्लांटे ऑटोट्रॉफिक होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर, और फिर आता है एनिमेलिया यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफिक। तो आप चाहो तो शॉर्ट में सिर्फ लिख सकते हो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एंड एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर द ग्रुप नेम ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल विथ अ बैकबोन तो उसको वर्टिब्रेट कहते हैं, एनिमल विथ हेरी स्किन उसको मैमिलिया, एनिमल विथ 3 पेयर ऑफ लेग इंसेक्टा, और एनिमल फेदर्स के साथ तो दैट आर कॉल्ड एव्स। नेक्स्ट है 9th वाला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट मतलब आपका विदाउट बैकबोन, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, आपका हाउसफ्लाई हो जाएगा, सिल्वर फिश हो जाएगा, और स्पॉन्जी हो जाएगा, ठीक है, दीज आर इनवर्टिब्रेट।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गिव एनी वन डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, इंसेक्टा और एरेक्निडा, फ्लैट वर्म और राउंड वर्म। तो पेज नंबर 71 और 74 पे देखो टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर आपके 71 के लास्ट में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, कि इनके पास इंटरनल स्केलेटन होता है, इनके पास कोई इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, बैकबोन प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट में जबकि एबसेंट होता है इनवर्टिब्रेट में, और टेल यूजुअली प्रेजेंट होता है और इसमें टेल एबसेंट रहता है, और जो हर्ट होता है ये वेंट्रल साइड पे होता है बॉडी के, यहाँ पे अगर हर्ट जब प्रेजेंट रहता है तो वो डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी के होता है। नर्व कॉर्ड जो होती है वो डॉर्सल और हॉलो होती है खोखली, यहाँ पे नर्व कॉर्ड जो है इस वेंट्रल वेंट्रल है और सॉलिड होती है, यहाँ पे देखो हॉलो होती है। अब फिर वर्टिब्रेट में दो पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, यहाँ पे थ्री और मोर पेयर ऑफ लिम्ब अगर प्रेजेंट है तो। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, और यहाँ पे हेमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है तो डिजॉल्व रहता है ब्लड के अंदर इन वर्टिब्रेट में। अब देखो बात करें तो पेज नंबर आ जाओ आप 74 पे, तो इंसेक्टा और एरेक्निडा के बीच में बोला है, तो इंसेक्टा का आप देख सकते हो कि इंसेक्टा में है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और थोरेक्स के पास थ्री पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं, यूजुअली दो पेयर ऑफ विंग होते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंसेक्टा का। फिर एरेक्निडा का कि दे हैव फोर पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग और दे लैक विंग्स एंड एंटीने, ठीक है। फिर उसी के नीचे आ जाओ तो तुमको मिल जाएगा फ्लैट वर्म और राउंड वर्म के बीच में डिफरेंस। तो फ्लैट वर्म में देखो कि यूजुअली जो है फ्लैट होते हैं, रिबन लाइक अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, और जबकि राउंड वर्म में सॉफ्ट राउंड और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट रहती है और यहाँ पे फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है फ्लैट वर्म में, इनके पास वन एक ओपनिंग होती है जो सर्व करती है दोनों के लिए, माउथ का भी काम करती है और एनस का भी। और राउंड वर्म में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके पास दो ओपनिंग होता है, एक माउथ के लिए एक एनस के लिए, और एट द टू एंड्स दोनों एंड पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ 10 एनिमल ईच फॉलोड बाई थ्री टर्म और फीचर, अंडरलाइन द टर्म विच डज नॉट मैच विद द एनिमल। तो देखो एमीबा, एमीबा के लिए कह रहा है कि न्यूक्लियस, टेंटिकल, फूड वैक्यूल। तो न्यूक्लियस फूड वैक्यूल तो होता है लेकिन टेंटिकल नहीं होते। फिर हाइड्रा के लिए कह रहा है इनवर्टिब्रेटा और निडेरिया, और क्या कह रहा है क्रस्टेशिया। तो यहाँ पे जो है क्रस्टेशिया ये जो है इसका फीचर नहीं है। फिर फिश का है गिल्स, पेयर्ड फिन्स दोनों ही होते हैं, ईयर ड्रम नहीं होता। अर्थवर्म की बात करें तो इनवर्टिब्रेटा में आता है एनेलिडा, और ये इंसेक्टा इसका फीचर नहीं है, ये टर्म इससे रिलेटेड नहीं है, इंसेक्टा जो है अर्थवर्म के लिए नहीं है। फिर ग्रास होपर की बात करें तो विंग्स हाँ होते हैं, ट्रैकिया नहीं होता, और प्रोबोसिस ये टर्म रिलेटेड है ग्रास होपर से। फिर बटरफ्लाई वाले में मोलिस्का, फिर वेल में फैट अंडर द स्किन, ये हो जाएगा तुम्हारा अंडरलाइन। और फिर पीजन में हेयर्स नहीं होते। मंकी की बात करें तो लेटरल लाइन नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। फिर बैट की बात करें तो बैट एप्स की कैटेगरी में नहीं है, ये मैमिलिया है और कोल्डेटा टर्म से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। पेज नंबर 78 पे देखिए टेक्स्ट बुक में, तो कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं कि देयर टेम्परेचर फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, तो इनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, दे हैव फिन्स बट नो लिम्स। अब इसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ वार्म ब्लडेड के लिए, कि जो वार्म ब्लडेड होते हैं तो आर वो होते हैं वार्म ब्लडेड जो कि मेंटेन करते हैं एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम थ्री एनिमल बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस विच ब्रीथ बाई मीन्स ऑफ लंग्स बट हैव नो एक्सटर्नल ईयर्स। तो ऐसे कौन कौन से तीन एनिमल हैं, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, पिजन हो जाएगा और प्लेटिपस। तो चार लिख दिया है, कोई भी तीन आप लिख सकते हो। डी वाला पार्ट है लॉन्ग एंसर टाइप,
मेंशन एनी वन मेजर सिमिलैरिटी एंड वन मेजर डिफरेंस इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल. एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है इंसेक्ट बर्ड के बीच में, वेल फिश के बीच में, स्नेक और अर्थवर्म के बीच में, बैट और पिजन के बीच में, कटल फिश और डॉग फिश के बीच में, वॉल लिजर्ड और फ्रॉग के बीच में. इंसेक्ट और बर्ड के बीच में सिमिलैरिटी है कि दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं दोनों के पास, और डिफरेंस ये है कि इंसेक्ट जो होते हैं इनवर्टिब्रेट होते हैं. फिर वेल और फिश की बात करें तो दो के दोनों ही ब्रीथ करते हैं गिल्स से, और वेल्स जो होती हैं यंग वंस को बर्थ देती हैं, जबकि जो फिशेज हैं वो अंडे देती हैं, एग्स ले करती हैं. स्नेक और अर्थवर्म में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही एग्स यानी अंडे देते हैं, और डिफरेंस ये है कि स्नेक के पास लंग्स होते हैं जबकि अर्थवर्म के पास नहीं होते. बैट और पिजन की बात करें तो दोनों ही जो है ब्रीथ करते हैं लंग्स के द्वारा, और फिर उसके बाद जो बैट होते हैं ना उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जबकि पिजन के पास नहीं होते. फिर नेक्स्ट वाला है तुम्हारा कटल फिश और डॉग फिश के बीच में, तो दोनों ही मैराइन एनिमल हैं, MARINE पानी वाले. फिर उसके बाद कटल फिश जो है वो इनवर्टिब्रेट होता है जबकि डॉग फिश वर्टिब्रेट होता है, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में. फिर वॉल लिजर्ड और फ्रॉग के बीच में पूछ रहा है, तो दो के दोनों ही कोल्ड ब्लडेड हैं, ये सिमिलरिटी हो गई. और फिर डिफरेंस क्या हुआ कि जो वॉल लिजर्ड है आपका ब्रीथ करता है बाई मीन्स ऑफ लंग्स राइट फ्रॉम बर्थ, पैदा होते ही, बर्थ से ही, जबकि वेयर एज इन फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होता है अर्ली स्टेजेस ब्रीथ बाई मीन्स ऑफ गिल्स, कि शुरुआत में वो गिल्स से सांस लेते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है, मैच द नेम्स ऑफ एनिमल ग्रुप्स इन कॉलम वन विद द नेम्स ऑफ एनिमल ग्रुप इन कॉलम टू. एनिमल ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हैं, मैच करना है. तो एनेलिडा अर्थवर्म, पॉरीफेरा सेकंड वाला हो जाएगा तुम्हारा स्पॉन्जी, मोलिस्का हो जाएगा ऑक्टोपस, रेप्टिलिया हो जाएगा आपका स्नेक, फिर एम्फीबिया, एम्फीबिया में का कुछ नहीं है, पीसेस, पीसेस का हो जाएगा तुम्हारा ट्राउट, और मैमल दैट इज रैबिट. अब इसके बाद देखो लिखा भी है कि विच नेम्स आर लेफ्ट आउट दैट डू नॉट मैच एंड वाई. तो एक एम्फीबिया ग्रुप और ये इधर पिजन, ये दो लेफ्ट आउट हैं, मैच नहीं करते, क्योंकि जो पिजन है वो बर्ड है, ले करता है एग, और चार चैम्बर्ड हर्ट हैं इसके पास. जबकि एम्फीबिया ग्रुप क्या कहता है कि एम्फीबिया ग्रुप में फ्रॉग, सेलेमेंडर आते हैं, टोड आता है, जिनमें थ्री चैम्बर हर्ट होते हैं और ये गिल्स होते हैं इनके पास, तो इसीलिए ये एम्फीबिया इस पिजन के साथ मैच नहीं करता. फिर नेक्स्ट वाला है ई पार्ट, लास्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे, दिख ही रहा होगा मशरूम है, तो पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शोन इन द पिक्चर, तो दैट इज मशरूम. टू विच किंगडम डज द ऑर्गेनिज्म बिलोंग, तो ये फंजाई किंगडम का है. फिर नेक्स्ट है कि मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट से अलग है तो क्यों है. तो पहला ये है कि डू नॉट हैव रूट्स, और दूसरा ये है कांट अंडरगो फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट होता ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और इसके पास रूट्स नहीं होते, दो डिफरेंस हो गया. अब क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टू में है कि लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. पहले कह रहा है कि मेंशन द किंगडम, फाइलम एंड क्लास टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग. तो किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया है, और फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा है. फिर बी वाला कह रहा है कि राइट एनी टू सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द क्लास मेंशनड इन फर्स्ट. दो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं ऑर्गेनिज्म के जो इस क्लास का है. तो पहला ये है कि ये ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू, और सेकंड है कि एक्सोस्केलेटन फीदर होता है और चार चैम्बर्ड हर्ट होता है. ठीक है, तो दो के बजाय तीन हो गया ये. तो फिर इसके बाद मेंशन टू की फीचर ऑफ द फाइलम मेंशनड इन एंड राइट द नेम्स ऑफ द फाइव क्लासेस दैट इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू. तो पेज नंबर 80 पे देखो, तो वर्टिब्रेट कंसिस्ट करते हैं जो पांच क्लासेस के, वो कौन कौन से हैं, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमेलिया.
अब यहाँ पे ना देखो ये भी लिखा हुआ है कि मेंशन टू की फीचर ऑफ द फाइलम मेंशनड। तो फाइलम जब मेंशन है उसका की फीचर क्या है कि ये वर्टिब्रेट है और इनके पास एक वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम होता है जो फॉर्म करता है मेन एक्सिस ऑफ देयर इंटरनल स्केलेटन, जो कि हो सकता है मे बी ऑफ बोन या फिर कार्टिलेज का। अब ये क्वेश्चन है बॉक्स में ट्रेनोसोर्स के बारे में दिया हुआ है कि वन ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल विच लिव्ड ऑन द अर्थ अबाउट 10 करोड़ ईयर्स एगो। तो ट्रेनोसोरस वॉज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग एंड इट प्रेड अपॉन एनी अदर एनिमल्स। वॉट डू यू थिंक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, वॉज इट एन एम्फीबियन, अ रेप्टाइल और मैमल। तो देखो ये रेप्टाइल था। रीज़न क्या होगा कि इट्स बॉडी हैज़ स्केल, उसकी बॉडी पे स्केल्स थे, विच मे बी हॉर्नी, हॉर्नी भी हो सकते हैं, और ये अंडे देता था, और इसके अलावा विच आर हैविंग लेदरी शेल। तो जो इसके अंडे होते थे उसके ऊपर जो है लेदरी शेल होता था। फिर नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैन यू कॉल इट अ रिलेटिव ऑफ कंगारू, क्या इसको कंगारू का रिलेटिव बुला सकते हो, रिश्तेदार? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंगारू एक मैमल है जबकि ट्राइनासोरस एक रेप्टाइल है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।